वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जाने। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन नाज, ये सीईओ हैं ऑफ नाज कैपिटल, डेनमार्क में, बुल्गारिया में, लिथुएनिया में और आजकल हाल में पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म के आप उसको हेड करते हैं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं स्पेशली, विच इज़ जिसके अंदर हर किसी ने कोशिश करी है डैबल करने की। मेरे जैसे लोग, इनको समझ नहीं आई वो भाग गए, जिन लोगों को समझ आई उनको बहुत समझ आई एंड दे कंटिन्यू टू सॉर्ट ऑफ स्टे एंड ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट। जायज, आपका और नाज कैपिटल का क्या रोल है इसके अंदर? राइट, सो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे आपने अभी बताया डेनमार्क में, लिथुएनिया, बुल्गारिया में, वहाँ पे हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है वो बी टू बी है। सो बिज़नेस बी टू बी है, यानी हम जो कंपनीज को टारगेट करते हैं वहाँ पे, उनको इसलिए कि आप जो है, जैसे आपने देखा होगा अभी काफ़ी सारे ममालिक जो है दुनिया में वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो का एज लीगल टेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जाके कहीं पर कॉफ़ी लेना है मिसाल के तौर पर या कुछ भी, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट आप बिटकॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे दूसरे ममालिक में नहीं है, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे कोई कभी लीगल है कभी लीगल है कभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली लीगल टेंडर नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, मगर लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नाज कैपिटल का मेन जो नेटवर्क है वो बी टू सी है, राइट, बिजनेस टू कस्टमर इस तरह। तो यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से कोई लेट 2020 में मैंने यहाँ पे शुरू किया था। सो फार तकरीबन हमारे कोई 1.5 लाख जो है सब्सक्राइबर्स भी हैं, हमारे मेम्बर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और मैंने तकरीबन कोई 50,000 लोगों को मेंटर किया अभी तक, जहाँ पे वो बेसिकली इस तरह है कि हम वहाँ पे हेल्प करते हैं उनको कि एजुकेट करें। अवेयरनेस एक और चीज़ है, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि आपने अगर ट्रेड वगैरह करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, अब उनको कोई ख़ास बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोई ख़ास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जब वो फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं तो फिर वो अंधाधुन लगे होते हैं। बिल्कुल, मतलब और एक क्रेज़ होता है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर मुझे तो पता भी नहीं था इतनी सारी हैं, मतलब बिटकॉइन का आप नाम सुनते हैं मगर फिर उसके बाद कोई कहता है इथेरियम है, फलाना है, ढमकाना है, मतलब उधर मेरे जैसा बंदा तो उधर ही कहता है गिव अप, बिल्कुल हार मान लेते हैं। बट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि क्या क्या है और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आप क्या ये एजुकेशन देते हैं लोगों को? बिल्कुल, अभी जैसे आपने कहा बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स से मुराद ये है कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, जो अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन है। अब इसमें से बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, ठीक है। दूसरा ये कि कोई मेरे ख्याल से 20-25,000 से ज़्यादा कॉइन्स, तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आपने ट्रेड कैसे करना है, और ट्रेडिंग में दो मुख्तलिफ इकसाम की ट्रेडिंग होती है, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज है। एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, जैसे आप जाके इन्वेस्ट करके कुछ अरसे तक उसको छोड़ देते हो, ठीक है, चाहे 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल वगैरह वगैरह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इवन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म। और दूसरा ये कि जिधर आप जाके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर $100 है, आपने जाके ट्रेड करना है, तो आप 5 मिनट भी कुछ प्रॉफिट करके आप उसको निकाल के चले जा सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक बंदा जो है वो 1, 2, 4, 10 दिन भी ट्रेड कर सकता है। अब ये ट्रेड जो है वो बेसिकली इस कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। आप एक्स्ट्रा कुछ लेवरेज होता है बेसिकली एक्सचेंज से, आप अलग कर्जा लेते हो, अपने $100 पे 10x कर्जा ले लिया, 1,000 हो गए, फिर आप जाके ट्रेड करते हो। ये चीज़ें काफ़ी टेक्निकल जो है, जो इसमें चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से हमारे जो बिगनर्स क्रिप्टो में आते हैं वो बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं और भाग जाते हैं। बहुत सारे भाग भी जाते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक ये, टू बी क्वाइट फ्रैंक विद यू, 95% जो ट्रेडर्स हैं हमारे दुनिया में, ना फकत पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो 95% ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो के, वो आज तक लॉस में ही बैठे हुए हैं, ठीक। ओह वाओ। उसकी वजह यही है कि हमारी दुनिया में जो है सिंस 1913, उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन तो वैसे हटा दिया था आपके, ग्लोबल एजुकेशनल पैटर्न्स, जिसकी वजह से लोगों को कुछ खास पता नहीं है, यानी एक इंसान को ये तक नहीं पता कि आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या होता, प्री डिटरमिन्ड रिस्क क्या होता, इस तरह की चीज़ें नहीं पता, वॉलेटाइल क्या होता है एक मार्केट, या डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पता ही नहीं है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट बिहेव करती है उसी तरीके से जिस तरह स्टॉक मार्केट बिहेव करती है? बिहेव इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका मतलब ये है कि कोरिलेशन इनके बीच में, हाँ। तो यस बिल्कुल है। अब कोरिलेशन इस तरह है क्योंकि दोनों मार्केट्स जो है वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट्स का हिस्सा एक। दूसरी चीज़, ये रिस्कियर एसेट्स के अंदर शुमार होता है। रिस्कियर एसेट्स इसलिए क्योंकि इनके अंदर निस्बतन ज़्यादा रिस्क है, बनस्पत फॉर इंस्टेंस गोल्ड हो गया। अब गोल्ड ज़्यादा स्टेबल ही रहता है, वो सालों साल स्टेबल रहता है, इनकेस अगर कोई इन्फ्लेशन वगैरह हो, इन दैट केस अज़हज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इस्तेमाल होता। तो इंस्टीट्यूशनल हमारी जो इन्वेस्टमेंट आती है ना स्टॉक मार्केट्स में, वो ही एट द सेम टाइम क्रिप्टो में आती है, जिसकी वजह से इसका कोरिलेशन हिस्टोरिकली सिंस द डे इट वॉज क्रिएटेड, यानी बिटकॉइन 2009 से, तो इनकी कोरिलेशन आज तक चल रही है। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स है उनकी भी कोरिलेशन जो है वो बिटकॉइन के साथ है,
और बिटकॉइन की जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ है। इस तरह अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर साथ में क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो से मुराद ये बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं तो बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो ये तो चलता रहेगा इस तरह जब तक कि आपका, क्योंकि रिलेटिवली क्रिप्टो बड़ा नया है ओवरऑल, सारे बिटकॉइन क्रिप्टो सारे बहुत नया है, बिल्कुल इनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, अभी इसको 10-12 साल हुए हैं। स्टॉक मार्केट तो बड़े अरसे से, अब इनकी जो कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट की और क्रिप्टो की, ये रहेगी तब तक जब तक एटलीस्ट आपके बिटकॉइन की मार्केट कैप वो एटलीस्ट कोई 3-3.5 trillion ना हो जाए डॉलर्स में। तो अभी कितनी है? अभी 500 बिलियन सिर्फ। सिर्फ? I would imagine that's a lot of money already. Yeah, yes, of course, if you have it. Yeah. But in terms of कि अगर आप उसको compare करते हो stock market के साथ, of course, क्योंकि वहाँ पे फिर वो trillions of dollars में। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या मतलब लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए ओवर स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट बीइंग समथिंग दैट पीपल हैव इन्वेस्टेड इन वेयर दे से कि हम एक्स वाई जी कंपनी के यू नो ब्लू चिप कंपनी के यू नो फलाने के शेयर्स लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल के भूल जाएंगे, दस साल बाद चेक करेंगे। क्या कैन यू डू द सेम विद बिटकॉइन और लाइक यू सेड क्रिप्टो करेंसी इन जनरल एंड बी कंफर्टेबल? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले ये कि जो लोग, अगर मैंने एडवाइस करना है तो मैंने एडवाइस जो करना है, जो मेरा जो ऑडियंस है वो मोस्ट लाइकली वही होंगे जो बिगनर्स हैं, यानी बिगनर से मुराद ये कि स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है जी। अब अगर ये इन्होंने जाके फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है फाइनेंशियल मार्केट्स में और इनको चूज़ करना है बिटवीन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो, तो क्रिप्टो जो है वो सेफ, या स्टॉक मार्केट जो है रिलेटिवली थोड़ा सा सेफ हेवन टाइप है, वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके अंदर जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट्स में जो है वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये वॉलीटिलिटी जो है वो स्टॉक मार्केट्स में नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो, सकता है कोई एक दो हफ्ते बाद बिटकॉइन $10 ऊपर चले जाए, नीचे भी जा सकता है। तो बहुत केसेस, इसका मतलब ये हुआ कि वॉलेटाइल मार्केट है। अब ये वॉलेटिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेट्स से अगर 80% इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन विद द स्टॉक मार्केट्स, ये नहीं है स्टॉक मार्केट्स में। वहाँ पे आप जाके आज अगर इन्वेस्ट करो तो आप शायद 3 साल भी ये लग जाएं आपको कि वो जाके कोई 100% 200% जो है ऊपर जाए, राइट? तो इन दैट केस हमारे जो लोग हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी लोग, क्योंकि मैं यहाँ से काफ़ी अरसे से इनके साथ नेटवर्क बना के बैठा हूँ, तो मुझे पता है इनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते स्टॉक और दूसरा ये कि ये वैसे क्वाइट ऑनेस्टली या क्वाइट फ्रैंक विद यू, वो लालची भी ज़्यादा, और इस वजह से क्योंकि फाइनेंशियल डिप्रेशन, मिलियनेयर बन के निकलना है, एग्जैक्टली, वो लैम्बो चाहिए इनको वगैरह। मगर वो इस वजह से कि जाहिर है आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रहे हैं पाकिस्तान में, गुरबत, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डिप्रेशन तो होता है। अगर इन्होंने इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से जो है वो बेहतर चॉइस है आपके पास कि आप क्रिप्टो मार्केट में पहले आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऑटोमेटिकली पहले ही दिन जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करें या फिर आप असली पैसों से खेल रहे हो। आपको चाहिए कि उसका पूरा हिस्टोरिकल डेटा जो है ना बिटकॉइन का, कैसे चलता है, इसकी पूरी इंडस्ट्री के बारे में मालूमात करनी चाहिए आपको, पूरा फंक्शंस मैकेनिज्म, कौन चलाता है, कौन कंट्रोल करता है, हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें जो है इनको जब आप स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद फिर आपके पास ट्रेडिंग डिसिप्लिन और इसी तरह जो है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, आपके बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे, उसके बाद आप जितना भी मर्जी जोर मार लो, आप कभी इससे पैसे नहीं बना सकते हो, जिसकी वजह से अमूमन लोग लॉस करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि एक और लॉस की वजह ये है कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्फ स्टाइलाइज्ड गुरुज हैं। आई एम श्योर आप पाकिस्तान में भी, मैं मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन नेम थिंक ऑफ वन पर्सन, आई डोंट वांट टू मेक नेम एनी नेम, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे फॉलो करो या यू नो मुझसे सीखो, और बहुत सारे यू नो वी जस्ट काइंड ऑफ ब्लाइंडली, वो शीप वाली जो मेंटेलिटी होती है, हर्ड मेंटेलिटी, आप किसी के पीछे लग जाते हो खुद कुछ जाने पूछे बगैर। तो क्या कोई इंसान बिटकॉइन की मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है? क्या इसमें कोई प्रिडिक्शन होती है, जिस तरह स्टॉक मार्केट गुरुज भी बैठे होते हैं, कहते हैं फलानी चीज़ चढ़ने वाली है ख़रीद लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस तरह का कोई फिनोमेना होता है? ये हम जानेंगे जाहिर से मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ जाहिद यहाँ पे मौजूद हैं और हमें एजुकेट कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, जो कि अगर आप मतलब मैं जल्दी जल्दी आपसे बहुत रैपिड फायर सवाल पूछूं क्योंकि मुझे आपके अंदर कुछ ट्रस्टवर्दी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं जाहिद मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे देखा पूछा कि बहुत सारे गुरुज मिलते हैं और वो बंदे कहते हैं कि आप भाई ये वाला कॉइन आज तुमने ये खरीदना है 10 बजे से पहले, इस तरह मतलब वेरी स्पेसिफिक, हाँ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मुझे लगता है कि थोड़ा
ऑफ बात लगती है कि हाउ इज इट, क्या ऐसा होता है कि कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? देखिए, प्रिडिक्ट आप बिल्कुल कर सकते हो. हमने ये, मैं आपको दिखाऊंगा इसको ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, इट्स अप टू यू. 2020 में जो बिटकॉइन का बॉटम था, इसको बोलते हैं साइकिल का बॉटम, जिसके बाद यानी 3000 से वो 70000 पे चले गया. वो जो बॉटम था वो हमने उसको कैच किया था. इसी तरह फिर 70000 पे जब गया था तो 69000 हमारा प्रेडिक्शन था कि भाई ये हमारा मार्केट का टॉप होगा, जो मार्केट साइकिल है ओवरऑल टॉप होगा. उसके बाद हमारा बेयर मार्केट शुरू हो जाएगा. बेयर मार्केट से मुराद ये है कि जब वो एक डेढ़ साल नीचे आ जाता है, राइट. तो ये हमारे पब्लिक प्रोफाइल्स पे इसके ट्वीट्स पड़े में वेरीफाई हो सकता है. इसी तरह दो तीन बार बीच बीच में कई बार 14000-15000 डॉलर गिर गया बिटकॉइन, और वो हमने महीने पहले प्रेडिक्ट किया होता इसको. तो लिहाजा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए फिर आपको जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ती है. यानी हमारा जो मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो बाहर बैठे हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनका मसला ये है कि रिटेल ट्रेडिंग कंसेप्ट के ऊपर ये ट्रेड करते हैं. और वजह यह है कि इनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है सर, या कभी इन्होंने ऐसा स्टडी नहीं किया होगा. यानी मेरा जो है, मैं आई वॉज वेरी लकी सिंस द एज ऑफ 9 कि मैं काफ़ी सारे जो है एम्बेसडर्स, बैंकर्स और ये वो हमारी फैमिली, उसकी वजह से काफ़ी मैं इनके साथ जो है उठा बैठा हूँ. तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जिस माहौल में आप रहते हो तो फिर वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखते हो, चाहे वो कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली आप सीख लेते हो. तो लिहाजा प्रेडिक्शन वन, इट्स पॉसिबल, आप इसको बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, वो नहीं जो हमारे लोग जो चलते रहते हैं सुबह शाम. बोल रही हूँ ना कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि इफ़ आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड आई टेल, लेट्स से 10 लोग मेरी बात मुझे पता है सुनेंगे, बिल्कुल, तो मैं उन 10 लोगों से कहती हूँ कि फलानी चीज़ खरीद दो या फलानी चीज़ बेच दो, इन आइदर वे आई एम इम्प्लीमेंटिंग अफेक्टिंग चेंज through some, you know, because what I'm saying in the market. Do you think that sort of thing happens? Yes, मगर ये है कि आपका जो है probability जो factor है ना, वो क्या है, वो 100% तो नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं हो सकता. कभी कभी वो 20% है, कभी 30, कभी 40. Best case scenario may be 65%. उससे ऊपर अमूमन कभी कोई नहीं जाता. Unless कि अगर आप जो है, अगर कोई अपना algorithm पूरा बना लो, जो कि bot type खुद ही automatically, जैसे artificial intelligence आ गया ना आजकल, उससे आप अगर प्रेडिक्शंस वगैरह करते हो या फिर वो सिस्टमेटिकली जाके पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है आपके लिए, वो एक अलग चीज़ है. क्योंकि उसके अंदर बीच में ये जो ह्यूमन फैक्टर है ना, या जो ह्यूमन एरर है, वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है जी, सिस्टम है पूरा, रोबोट है एक किस्म का, वो टेक्नोलॉजी आपस में ही पढ़ा करके खुद ही स्कैन करके मार्केट को कंक्लूजन आपके पास ला रहा है. तो लिहाजा वो ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी होता है. बनिस्बत इसके कि आप जो है बैठ के सोफा, यानी मैं आपको अगर ओपनली बताऊँ, वो तुके आप अगर तुके मारो तो फिर ये जो लोग हैं, मुझे, मैं नहीं जानता किसका रेफरेंस आप दे रहे हो, तो आप इनको जाके अगर थोड़ा सा स्टडी करो, ज्यादातर लोग इनको बुराई बोल रहे होते हैं. ज्यादातर यही होता है, पब्लिक प्रोफाइल्स पे आप इनके चले जाओ, एब्सोल्युटली यही होता है, ज्यादातर इनको बुराई बोल रहे होते हैं. तो लिहाजा ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप ग्रुप चलाओ, पैसे कमाओ, लोगों को बोलो $20 दो, $50 दो, वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है वो जब लोग आ जाते हैं फिर खत्म, पैसे तो दे दिए. अब बेशक एक महीने बाद वो चले जाएं, आपने तो कमा लिया अपने जो भी कमाना था, चाहे 2000 लोग आ गए, चाहे 10000 लोग आ गए, लेकिन प्रेडिक्शंस पॉसिबल है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, ना कि रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली स्कैम के तौर पे बनाया गया है बाय द इंस्टीट्यूशंस टू रॉब द रिटेल इन्वेस्टर्स. ओके, दैट्स आल्सो वेरी स्केरी बाय द वे. यस, दैट थॉट इज वेरी स्केरी टू अ पर्सन लाइक मी. मैं तो और मतलब छह कदम पीछे बैकफुट पे चल. बिल्कुल, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स कंट्रोल नहीं करते. जब तक इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के पैसे ना आए, तो तब तक ये बिटकॉइन वगैरह ये तो ऊपर जाएंगे नहीं, थोड़े से भी ऊपर नहीं जाएंगे. राइट. हमारे पास यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितने पैसे होते हैं? $200, $50, $100, $150, 1000, 1500, ज्यादा नहीं होंगे. राइट. तो अगर आप इसको डिवाइड भी कर लो कि फर्ज करें अगर हमारे क्रिप्टो में आए हुए लेट्स से कोई 10 मिलियन लोग, अब 10 मिलियन लोगों में अगर आप सबके पास भी ले लो ऑन एवरेज $1000 भी ले लो, ये कितने पैसे बनते हैं? बिटकॉइन की 550 बिलियन अलोन, बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो $550 बिलियन. तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते. राइट. इसके अलावा बाकी क्रिप्टोज बहुत सारे हैं. टोटल मार्केट कैप आपका 1.1 ट्रिलियन चल रहा है एज वी स्पीक. ठीक है, 1100 खरब चल रही है. ठीक है. तो लिहाजा ये बल्कि 1.1 ट्रिलियन तो ये अगर पाकिस्तानी पैसों में आप ले लो कितना बनता है? आप इसको डिवाइड कर लो 10 मिलियन लोगों में जो क्रिप्टो में बैठे हुए हैं फॉर इंस्टेंस. ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं. ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आपके रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट्स को कंट्रोल करें, जैसे स्टॉक मार्केट्स है वो भी इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं. इंस्टीट्यूशंस ही, ऑफ कोर्स. राइट. तो आप ये कह रहे हैं कि फॉलो फिर मतलब इस तरह के सेल्फ स्टाइलाइज्ड गुरुज को नहीं करना चाहिए, हमें बेसिकली जाना चाहिए टू रजिस्टर्ड कंपनीज. नाउ द अदर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिगिंस दैट कंपनीज लाइक योरसेल्फ आर दे अंडर द कैप ऑफ लॉ, एज इन आर यू गाइज रजिस्टर्ड? बिकॉज मुझे कोई भी बंदा रजिस्टर्ड होता है ना जी, किसी लीगल अथॉरिटी के साथ, तो बहुत तसल्ली मिलती है जी. डेनमार्क में, अभी पाकिस्तान में मुझे नहीं पता सिस्टम क्या है कंपनीज का,
डेनमार्क में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि खुद ही कुछ खोल लिया खुद ही बैठे हुए, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कमरे में खोल के कैमरा लगा के आपकी रजिस्ट्रेशन पहले दिन से होती ओके so उसके बगैर तो आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो ना अभी ये तो ये डिफरेंस तो है ना यूरोपियन कंट्रीज में और पाकिस्तान एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में लीगलाइज करना चाहिए इसको बिल्कुल करना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम इसके थोड़े से खतरात भी वो ये है क्योंकि आपके जो लोग बैठे हुए यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं क्रिप्टो में मसला ये कि इनमें से वास्ट मेजॉरिटी को बिल्कुल पता नहीं है कि इसका मेकैनिज्म क्या है वो अलग बात है आप किसी ग्रुप में जाते हो कोई आपको सिग्नल दे दिया बोले ये बेचो जैसे आपने रेफरेंस दिया ये खरीदो वगैरह वगैरह ये एक अलग चीज़ है तो इसका मतलब है 24/7 आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो थर्ड पार्टी के ऊपर अब वो थर्ड पार्टी वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है वो क्वालिफाइड है नहीं है वो खुद रिटेल इन्वेस्टर्स है वो खुद रिटेल ट्रेडिंग कंसेप्ट में अगर बैठा हुआ है तो फिर वो आप कैसे पैसे बना सकते हो उससे राइट एक चीज़ दूसरा ये कि अगर तो फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट बैक्ड हमारा कोई यहाँ पे एक्सचेंज बनता है जैसे बिटकॉइन जहाँ पे ट्रेड होता है उसको एक्सचेंज बोलते हैं राइट तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड आपका एक्सचेंज बनता है तो इन दैट केस ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा ना फकत पाकिस्तानी लोग बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो आसपास आपके नेबरिंग कंट्रीज है वो आ रहे होंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे यानी आपका डॉलर आ रहे होंगे मुल्क में बनस्बत इसके कि यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से जाहिर है आपकी इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा है ठीक ठाक किस्म का दूसरा ये कि इनको कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए वो भी बेसिकली गवर्नमेंट को पूरा जैसे ये डेलीगेशन बना के आईएमएफ के पास भेजो इधर भेजो उधर भेजो इसी तरह पूरी एक टीम बना के और इनको इंस्टीट्यूट बनाने के बाद उसको एक्टिवली मैनेज करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करें लोगों को समझाएं एजुकेट करें अवेयरनेस फैलाने के बाद इन दैट केस फिर आप इस काबिल होते हो कि आप जाके इस तरह के मार्केट से पैसे निकाल सकते हो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप टू 96% प्रोबेबिलिटी कि आप उसमें से लॉस ही करोगे फायदा नहीं करोगे अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन बिकॉज अगेन आई नो नथिंग अबाउट दिस यहाँ पर मैंने एक और बहुत कॉमन चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास वॉलेट होता है ऑनलाइन जो भी यू नो मैकेनिज्म होता है वेयर रियल मनी इज कन्वर्टेड इन अ वे दैट इट कैन बी यूज फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो उसके रिलायबल लोगों को मिलते नहीं हैं ज़रात नहीं मिलते आपके ख्याल में बेस्ट अगर आपसे मैं कहूँ टॉप 3 फॉर पाकिस्तानी पीपल तो वो क्या होंगे वॉलेट से मुराद आपके एक्सचेंजेस हैं मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपये कैश हैं नकद अब मुझे उसको और मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपये पड़े और मुझे उसको क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी है फॉर इंस्टेंस तो मैं उसको कहाँ पर डालूँ कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर सकूँ राइट तो उसके लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज ढूंढना पड़ेगा और क्रिप्टो एक्सचेंज काफ़ी सारे हैं उसमें से बाइनेंस है कॉइन बेस है कू कॉइन है मुख्तलिफ इकसाम के हैं तो कोई भी गूगल कर सकता है इसको वहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सचेंजेस आ जाएंगे उसमें से टॉप 3 जो है वो बेहतरीन चॉइस है आपके लिए तो वहाँ पे आप अपने पैसे डाल के और उसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हो दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट मतलब गूगल करें एज अपोज टू लिसनिंग टू समबडी एल्स बिकॉज़ उसमें भी लोगों के साथ बहुत स्कैम होते हैं ये लोग कहते हैं कि वो फलानी जो ऐप है वो यू नो आपके 10 रुपये काट लेगी हम नहीं काटेंगे हमें पैसे दे दो मगर बंदा कट जाता है बंदा ही गायब हो जाता है नहीं गूगल आप अगर करोगे जाहिर है गूगल तो ट्रस्टवर्दी है ना वो कोई गुरु तो है नहीं वो तो वहाँ पे टॉप 3 पे आपके जो एक्सचेंजेस है वो मून बाइनेंस है कॉइन बेस और इस तरह के कू कॉइन वगैरह ये ट्रस्टवर्दी और ये काफ़ी अरसे से यानी बाइनेंस ऑपरेट कर रहा है इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी डेली वहाँ पे 30-40-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा होता है ठीक है so, इसी तरह कॉइन बेस बाकी सारे तो आप इसको गूगल करके उन एक्सचेंजेस पे जाओ और वहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आप ट्रेड करो ठीक है अच्छा दूसरा जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई मैसेज देना चाहते हैं टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक पाकिस्तानी पीपल जो कि इसमें इंटरेस्टेड हों क्रिप्टो में उनको आप क्या मैसेज दोगे सबसे पहले तो ये क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यहाँ पे सबके हालात ख़राब हैं ये मैं देख रहा हूँ सुबह शाम लोग जो है रो रहे होते हैं बिल्कुल इन्फ्लेशन की वजह से आपका 40-50-45-42% जो भी पहुँच गया अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई यार उसको कोई एक अल्टरनेट मिल जाए बनस्पत इसके कि वो 8 घंटे जाके कहीं पर काम करें जो मोस्ट लाइकली आजकल मिलता भी नहीं है काम शाम तो उसको चाहिए कि भाई क्रिप्टो की जो या पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो क्रिप्टो एज अ रिस्कियर एसेट कंसिडर होता है इसको चाहिए आप लोगों को बहुत सीरियस लो एज अ बिजनेस बिल्कुल इसको डील करें ना एज अ क्या यार कोई हॉबी के तौर पे चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ 20-50 डॉलर डालता हूँ नो इन दैट केस आप कभी इसमें से पैसे नहीं बना सकते हो दूसरी चीज़ का पूरा मैकेनिज्म हिस्टोरिकल डेटा इसकी कंपैरिजन स्टॉक मार्केट के साथ इसके वॉलेटिलिटी वाला फैक्टर ये सारी चीज़ें आप जाके स्टडी करते हो ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपकी सही होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपकी डिफाइंड होनी चाहिए एंड देन आप उसके अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के तौर पर जाके पैसे डाल के ट्रेड करो अदरवाइज आप बिल्कुल दूर रहो भाई इसे All right, that's very sound advice. Thank you so much, Zahid. आने का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन उन्होंने बोला कि शॉर्टकट वाला सीन नहीं है ये हॉबी वाला साइड बिजनेस नहीं हो सकता करना है तो फिर बहुत सारी मेहनत के साथ करना है और इट लाइक एनी थिंग एल्स इन लाइफ रिक्वायर सम एफर्ट ऑन एवरीबडीज पार्ट तो डू लुक इन टू इट नास कैपिटल इज Zahid's firm. लुक इन टू दैट इज़ वेल हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने ब्रेक से वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने अगले मेहमान से तो कहीं ना जाएगा देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ टोस्ट